नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के बारे में, जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम दोस्तों NSE के नाम से भी जानते हैं। आगे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब पर रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों ये इसका जो रेड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उसके सामने जो एक बेल आइकन दिख रहा है वो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आप मैं नया नोटिफिकेशन डाले करूँगा आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर दोस्तों आपने जो चैनल है मेरा पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और उसके सामने वाले घंटी वाला आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है घंटी वाला आइकन पर क्लिक कर दे, इससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जिसका नाम है माई बेस्ट स्कीम। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, आप वहां जाकर इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों NSE या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार की सबसे अच्छी बचत योजनाओं में से एक है। राष्ट्रीय बचत योजना को लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा एक निश्चित ब्याज दर पर निवेशक को अच्छा लाभ मिलता रहता है। दोस्तों यह स्कीम जो है सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाकर खरीद सकते हैं। NSE में आप बिना किसी जोखिम के पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जोखिम दोस्तों इतना कम होता है कि फिक्स डिपॉजिट में भी जोखिम ज़्यादा माना जाता है। इसमें बिल्कुल आप सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों इस योजना के बारे में कुछ और चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं हिंदी में इसे। ये दोस्तों जो योजना होती है इसमें एक प्रकार के सर्टिफिकेट हमें दिए जाते हैं, जैसे हमारे हाई स्कूल के या इंटर के सर्टिफिकेट होते हैं उसी प्रकार से ये पत्र हमें मिलते हैं। इसमें कोई दोस्तों अलग से अकाउंट हमें खोलना नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर सिर्फ हमें पैसे देने पर ये पत्र प्राप्त हो जाते हैं। इन सर्टिफिकेट को कीमत तय कर दी जाती है, जो जितनी कीमत का सर्टिफिकेट होता है उस पर वह राशि लिख दी जाती है और जब हम योजना के तहत निवेश करते हैं तो दोस्तों उसी प्रकार के पत्र हमें दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको इमेज के रूप में एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से ये सर्टिफिकेट होते हैं जो हमें योजना के तहत दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें निवेश की राशि, निवेश की दोस्तों कितनी मैक्सिमम और मिनिमम निवेश की राशि इसमें हमें मिल जाती है। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना में निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं दी गई है, हम जितना चाहें उतना अधिकतम निवेश कर सकते हैं। दोस्तों हम इसे 100 रुपये के रूप में 100 के गुणकों में 1000, 5000, 1 लाख, 10 लाख जितना चाहें वहाँ तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर में बताऊँ, अगर हम दोस्तों 5000 रुपये का इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं तो 5000 रुपये का हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दोस्तों नीचे चलते हैं और कुछ और जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस की NSE का जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी जो इस योजना की समय अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जितनी राशि हमें सर्टिफिकेट खरीदा था उतनी राशि हमें ब्याज सहित दे दी जाती है। समय अवधि से पहले भी दोस्तों हम पैसे की निकासी कर सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा भी कौन कौन सी शर्तें होती हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय बचत योजना के लिए हम अपनी पात्रता जान लेते हैं और क्या क्या योग्यता है, कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, 18 वर्ष से कम का व्यक्ति भी इस सर्टिफिकेट को खरीद सकता है। इसके लिए उसके अभिभावक को उसके नाम पर ही पत्र खरीदना होता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट खरीदते हैं उसका जो सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसके नाम हम खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों इस योजना के हम नीचे कुछ मेन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे इसका मेन पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट हर योजना का मेन पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट के द्वारा ही हम तय कर पाते हैं कि कितना हमें पैसा मैच्योरिटी पूरे होने पर मिल जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के लिए ब्याज दर जो होती है वो हर 3 महीने में सरकार द्वारा तय की जाती है, जो दोस्तों समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है। इस समय जो नेशनल सर्टिफिकेट पर दोस्तों ब्याज दर मिल रही है वो 7.6 की मिल रही है, जो दोस्तों 2018 में अभी अपडेट की गई है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लें। दोस्तों एक बार और मैं आपको बता दूँ, जब हम इस योजना में निवेश कर लेते हैं तो इसके पास जो इंटरेस्ट रेट हमें शुरू में मिलती है वो आने वाले हर 5 वर्ष तक वही मिलती रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। अब दोस्तों कुछ नीचे और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगला जो इसका मेन पॉइंट है वो है NSE कैलकुलेटर। इसमें कुछ आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताने वाला हूँ कि कितने का रुपये का सर्टिफिकेट खरीदने पर आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आसानी से अपना अमाउंट फिल करके देख जान सकते हैं कि कितना हमें मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 10,000 रुपये का सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात आपको 14,423 रुपये मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप 50,000 रुपये का सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो मैच्योरिटी पूरे होने पर आपको 72,115 रुपये मिल जाएंगे।
अगर दोस्तों आप 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो आपको मैच्योरिटी पूरे होने पर 1,44,230 रुपये मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल 5 साल के अंदर। और जो दोस्तों ये पैसा होता है बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, आगे मैं बताऊंगा टैक्स का हिसाब इसमें कैसे आगे चलता है। अब दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र के कुछ मैं आपको मेन बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या इस योजना के तहत मेन बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट्स है इसका टैक्स का ही बेनिफिट है। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत इन्वेस्टमेंट करने पर सरकार इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स में विशेष छूट प्रदान करती है दोस्तों, इसलिए टैक्स फ्री योजना भी हम कह सकते हैं दोस्तों। परंतु आपको एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि सेक्शन 80C के तहत हम सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर ही टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो सेक्शन 80C होता है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर ही टैक्स में छूट प्रदान करता है। अगर दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, अगर आप दोस्तों 1.5 लाख रुपये का सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो अगर आपकी इनकम जो है वो इस समय 3 लाख या 4.5 लाख रुपये है तो दोस्तों इसमें से 1.5 लाख रुपये कम कर ली जाएंगे क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेट खरीदा है। मगर दोस्तों जो इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा 1.5 लाख रुपये पर, वो आपको उस पर टैक्स देना होता है, यानी कि TDS इस पर दोस्तों काटा जाता है, मगर 1.5 लाख रुपये की रकम आपसे टैक्स फ्री हो जाती है। जान लेते हैं दोस्तों जो अगला इसका मेन बेनिफिट वो है समय से पहले पैसे की निकासी। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के तहत हम 5 साल से पहले भी पैसे की निकासी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लिए कुछ लिमिट होती है। जो दोस्तों इसका पहली कंडीशन है वो है NSC को 3 वर्ष पूरे हो गए हो। अगर दोस्तों आपकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अभी योजना को अभी 2 वर्ष पूरे हुए हैं तो आप नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपके 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद पैसे की निकासी आप कर सकते हैं। जो दोस्तों उसकी दूसरी शर्त है वो है NSC धारक की मृत्यु पूर्व होने पर उनके नॉमिनी को ब्याज सहित पूरा पैसा दे जाता है। दोस्तों जो अगला बेनिफिट है वो है इसकी लोन की सुविधा। दोस्तों इस योजना के तहत हम लोन भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के तहत पोस्ट ऑफिस द्वारा लोन की सुविधा प्राप्त की जा सकती है, परंतु लोन पर जो ब्याज दर होती है वो दोस्तों बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा तय की जाती है, उसमें सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं होता है। अब दोस्तों कुछ अगला बेनिफिट है इसका, जैसे कि ट्रांसफर और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। दोस्तों इस योजना को हम किसी पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सर्टिफिकेट कहीं खो जाता है, जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेट मिलता है खो जाता है, दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में जाकर दोबारा भी सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। और दोस्तों आपकी जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो आप कहीं से भी पोस्ट ऑफिस में अपना मैच्योरिटी अमाउंट भुना सकते हैं, आपके लिए किसी भी एक स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको कुछ और कंडीशन बता देता हूँ। दोस्तों जो NSC के 3 प्रकार की NSC हमें पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो पहली NSC होती है वो है सिंगल होल्डर टाइप NSC, यानी कि इस योजना को NSC खरीदने पर सर्टिफिकेट पर केवल एक व्यक्ति का नाम होता है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से इस योजना को हम खरीद सकते हैं। जो दोस्तों दूसरी प्रकार की NSC है वो है जॉइंट ए टाइप NSC। इस योजना की NSC को 2 व्यक्ति के नाम पर खरीदा जा सकता है, मगर दोस्तों जो पैसा मिलता है वो दोनों को बराबर बांट दिया जाता है। तीसरी जो NSC है दोस्तों वो है जॉइंट बी टाइप NSC। इस प्रकार के NSC को 2 व्यक्ति के नाम पर भी खरीदा जा सकता है, परंतु पैसे सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को दोस्तों पैसा होता है देना होता है वो हमें फॉर्म भरते समय उसमें फिल करना होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस योजना को खरीद सकते हैं, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप कैसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी और पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड है दोस्तों आधार कार्ड भी होना जरूरी है। उसके लिए दोस्तों आपको ओरिजिनल और फोटो को भी दोनों साथ ले जानी होंगी। दोस्तों NSC को हम नगद पैसे देकर भी खरीद सकते हैं, हम चेक के द्वारा भी खरीद सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपका उसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट से ही पैसे कटवाकर इस योजना को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।